जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि जो पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर है वो कांग्रेस की कार्यकारिणी को जो है वो भंग किया गया है। तो मैं भी शहरी अध्यक्ष रहा और लगातार सोलन शहर से 3 बार माननीय जो मंत्री हैं हमारे डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी, इनके आशीर्वाद से रहा। और मैंने पूरा प्रयास किया कि इन वर्षों में संगठन के साथ साथ सोलन की जनता की भी मैं अच्छे ढंग से सेवा कर सकूं। और मुझे बहुत खुशी है कि इस काम में जो भरपूर सहयोग मुझे माननीय मंत्री जी का हमेशा मिलता रहा और उसी के कारण जो है हम इस काम को करने में सक्षम रहे। देखिए, मैं सन 2001 में सोलन डिग्री कॉलेज से NSUI में जुड़ा था और लगातार 3 वर्ष तक जो है मैं वहाँ पर स्पोक्स पर्सन रहा। उसके बाद में जिला स्तर पर 5 साल तक जो है वो स्पोक्स पर्सन रहा। उसके बाद मैंने यूथ कांग्रेस में, जब माननीय राहुल गांधी जी ने चुनाव के थ्रू पोस्टें भरनी शुरू करी, तो मैं युवा कांग्रेस में भी चुनाव लड़ा था शिमला पार्लियामेंट्री से, जिसमें मैं जो है जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था पार्टी के द्वारा। उसके बाद जब बलदेव ठाकुर जी जो नौनी से हैं वो यहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष थे, उन्होंने पहली बार मुझे कांग्रेस कार्यकारिणी के अंदर काम करने का मौका दिया था। और शांडिल जी जब दूसरी बार चुनाव जीत कर आए तो उन्होंने महत्वता को समझते हुए हमें, मुझे जो है वो शहरी अध्यक्ष बनाया। उस समय से लेकर अभी तक लगभग मुझे लगता है 7-8 साल हो चुके हैं, मैं 3 बार लगातार जो है वो शहरी अध्यक्ष बना और मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं सभी लोगों को अपने कार्य से संतुष्ट कर सकूं। अगर इसमें कोई गलती रहेगी हो तो मैं उन सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूं जो मेरे किसी भी कार्य से इस कार्यकाल में नाराज हुए हैं, उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जिन सभी लोगों ने इस पूरे कार्यकाल में मेरी मदद करी है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ अगर मैं अपने इस समय की प्रदेश सरकार की बात करूं तो हमारे माननीय जननायक मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जिस तरह से हिमाचल के अंदर कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है ये ऐसे मुख्यमंत्री बनेंगे दशकों बाद जो हिमाचल में सरकार को जो है रिपीट कराने वाले मुख्यमंत्री होंगे। और अगर उसका मैं मुख्य कारण बताऊं आपको, तो आपने देखा होगा कि आपदा आने के बावजूद भी ये मुख्यमंत्री घबराए नहीं, क्योंकि जब ये मुख्यमंत्री बने तो सिर्फ 1 महीने का कार्यकाल चलाने का जो पैसा था वो हिमाचल सरकार के पास था। ऐसी आपदा विपदा के बाद भी आपदा आई प्रदेश में और उस आपदा का जो है ग्राउंड जीरो पर जाकर सामना करने वाले मुख्यमंत्री, जननायक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 1 लाख की जगह मुआवजा जो है वो 7 लाख किया, 10 हज़ार की जगह 1 लाख किया, लोगों की पीड़ा को समझा, दर्द को समझा। आपने देखा उन्होंने अनाथ बच्चों को स्टेट ऑफ चिल्ड्रन का दर्जा दिया, उन्हें घूमने के लिए फ्लाइट टिकट दिया, रहने के लिए 3-स्टार होटल दिया, खर्चने के लिए पॉकेट मनी दी। इतना लोगों का प्यार उनके साथ रह रहा है, इसी वजह से वो इतना विकास कर पा रहे हैं। अभी अभी आप अगर मैं लेटेस्ट बात कहूँ तो बिलासपुर के अंदर वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, मतलब टूरिज्म को बढ़ावा देना, मतलब हिमाचल की इनकम को बढ़ावा देना। और ऐसा ही एक प्रोजेक्ट जो अभी आपने सुना शिमला के अंदर जो वो टिम्बल ट्रेल टाइप लग रही है, वो बहुत ही अच्छी जो है ट्रॉली लग रही है, जिसमें हज़ारों लोग जो है ट्रैवल करेंगे दिन प्रतिदिन और उससे इनकम भी होगी प्रदेश की, और जो है सड़कों पर जो जाम की स्थिति रहती है वो भी होगी, और जो शिमला की खूबसूरती, पहाड़ों की खूबसूरती है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो टूरिस्ट निहार भी सकेंगे। तो ऐसे जननायक मुख्यमंत्री जो है इस समय हिमाचल के अंदर काम कर रहे हैं और मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त लगता है कि हम इस संगठन का हिस्सा है, हम उनकी टीम का हिस्सा है।